मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, लेकिन कमान किसके हाथ में सौंपी जाए इसका चुनाव होना है। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी के नाम पर तो मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगी। आपको बता दें, मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री आवास पर 4 घंटे तक एक बैठक हुई, अहम बैठक थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। बताया गया, इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई है। अब चर्चा से क्या निकल कर आएगा ये देखना दिलचस्प है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अभी मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 3 बार सीएम रहे और वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही। तीनों पुराने और बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, यहाँ शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा का नाम सीएम फेस की चर्चा में है, जबकि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, अरुण साव, विष्णु देव साय, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह को लेकर अटकले हैं। उधर राजस्थान में चर्चा है कि पार्टी वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत में से किसी एक को सीएम बना सकती है। इन नामों के बीच से मुख्यमंत्री के चेहरे के फैसले पर देरी की वजह कुछ महीनों बाद होने वाला लोकसभा चुनाव हो सकता है। 2024 के चुनाव की कसौटी पर जो मुख्यमंत्री विधानसभा में मिली जीत के बाद अपने राज्य की सभी लोकसभा सीटें जिताने पर खरा उतरेगा, क्या वही सीएम बनेगा? राजनीति के जानकार कयास लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से कोई नया सरप्राइज देंगे, क्योंकि फैसला प्रधानमंत्री को करना है, जो चुनाव में सिर्फ कमल को चेहरा बताते हुए 3 राज्यों की जीत पार्टी को दिला चुके। पीएम मोदी ने हाल ही में एक रैली में कहा था कि हमारा एक ही चेहरा है, वो है कमल। अब सवाल यह है कि क्या महिला वोटर की बढ़ती ताकत को देखते हुए महिला चेहरे को तवज्जो देकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आदिवासी वोटर के बीजेपी के साथ बढ़ते जुड़ाव को देखकर आदिवासी फॉर्मूले के साथ कोई सीएम बनेगा? पिछड़े, दलित, साधारण परिवार के खांचे से क्या कोई चेहरा सीएम पद में फिट बैठेगा? कुछ ही महीनों में 2024 का चुनाव जिताने का मादा रखने वाले और विधानसभा में वोट देने वाले जनता की उम्मीदों पर जो खरा उतरे वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या 3 राज्यों से आने वाली 65 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखकर आगामी लोकसभा चुनाव के तहत फॉर्मूला नंबर 65 के तहत मुख्यमंत्री चुना जाएगा? राजस्थान में वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दावा है वो 68 विधायकों से बात कर चुकी हैं। खबर है 28 विधायक वसुंधरा से आकर मुलाकात भी कर चुके हैं। राजस्थान में सीएम कोई भी हो, अगर इनमें से एक चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा तो फॉर्मूला 2024 का देखा जाएगा। दरअसल राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। बीजेपी ने 2019 में राज्य में सरकार ना होने पर भी सभी सीटें जीती थी। इस बार सरकार है, ऐसे में अगले कुछ महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हाईकमान रत्ती भर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।